हाय, आई एम सिंगल, रेडी टू मिंगल. भाई 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 क्या कर रहा है? प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स. इधर 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 इधर. भाई भाई तुम क्या कर रहे हो यार? अभी तो तुम उन तीनों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे. नॉट एट ऑल. करण लूथरा नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी लड़की का बसा बसाया घर बिगड़ जाए. तूने इसकी बात सुनी? शी सिंगल एंड रेडी टू मिंगल. और वैसे भी कोई भी लड़की करण लूथरा दी सुपरस्टार करण लूथरा को देखने के बाद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपना दिल उसे दे देती. वैसे भी तू अच्छी तरह से जानता है कि करण लूथरा किसी को प्रपोज नहीं करता, लड़कियां उसे प्रपोज करती हैं. Hey dude, can we talk? Of course, let's walk and talk. अच्छा, तुझे मम्मी बुला रही है? अरे यार कितनी हॉट लड़की है यार, काश मुझे भी कोई अच्छी सी हॉट सी लड़की मिल जाती. ऐसी लड़की की तो मैं सीने पे भी गोली खा लेता, सीने पे. हे भगवान जी, प्लीज ये मेरी विश एक्सेप्ट कर लो और एक अच्छी सी हॉट सी लड़की भेज देना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. भगवान जी, ये क्या किया आपने? मैंने तो आपसे एक हॉट लड़की मांगी थी, आपने तो मुझे तूफान मेल भेज दी. मेरी तरफ ही आ रही है. हाय, हाउ आर यू? नॉट गुड ना? ओके बाय. ए शॉर्टी, तो मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे थे जैसे मैं दुनिया का आठवां अजूबा हूँ? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था. रियली? मैंने देखा है अच्छे से कि तुम मुझे ही देख रहे थे. ये जो तुम्हारी स्टूपिड सी आंखें ना, मेरे फेस पर चिपकी हुई थी. ओ हेलो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, एक हॉट सी लड़की को देख रहा था यार. कहाँ है वो हॉट लड़की, दिखाना जरा. एक्चुअली कि मैंने सोचा कि वो होगी बट वो मुझे दिखी नहीं. जब वो मुझे दिखी नहीं तो बात बनी ही नहीं. लेकिन तुम मेरे सामने क्यों आ गई? ओए ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो. ओके, कोई हॉट वॉट लड़की नहीं है यहाँ पर. और वैसे भी इस पार्टी में मुझसे ज्यादा हॉट तो कोई है भी नहीं. हॉट? तुम बिल्कुल भी हॉट नहीं हो, सिर्फ तुम्हारा दिमाग गर्म है. इस गरम धर्म यू हैव नो शर्म. तो मतलब तुम मुझे ही देख रहे थे है ना? अरे तुमसे बड़ा तंग आ गया हूं यार. इतनी देर से बोलो कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, नहीं देख रहा था, नहीं देख रहा था. देख हवा के झोंके, मैं अब यहां से जा रही हूं. मेरा पीछा मत करना. ओके पागल, ये क्या है? ये क्या है? हाँ करण सर, आपको पता नहीं कि ये क्या है? अरे मुझे पता है ये डांडिया, लेकिन किस लिए? इससे दो काम हो सकते हैं. एक, इसके साथ डांस करके गेस्ट का मनोरंजन करो, और दूसरा जो आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हो ना, बात के साथ साथ हाथ भी चलाओ. ये लो, एक दूसरे को खूब मारो, खूब पीटो. एक्चुअली ना, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं. एक मिनट, ये लाइन भी तुमने मेरी ली. मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए टॉलरेट नहीं कर सकता, समझी? तो तुम कैसी लड़की हो यार, मेरा दिमाग घुमा के रख देती, कितनी इरिटेटिंग हो तुम. ओह गॉड, मेरा मन तो कर रहा तुम्हारा सर फोड़ दो इससे, लेकिन आज के दिन प्लीज मुझसे लड़ाई मत करो, क्योंकि आज ऋषभ जी की एंगेजमेंट है और मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती हूँ. ओके ठीक है, सिर्फ आज के लिए. हाँ सिर्फ आज के लिए, समझे तुम? आप लोग अपनी लड़ाई कंटिन्यू रखिए ना. क्या दी क्या करण सर, अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो आज की पार्टी बहुत बोरिंग हो जाएगी. मैं तो आपकी लड़ाई में अपना टाइम पास ढूंढ रही हूँ. मैंने सोचा कि एक दूसरे को मारोगे तो बहुत मजा आएगा. क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? क्यों, क्या मैंने तुमसे हेल्प मांगी? या मैं तुम्हें मुसीबत की मारी बेचारी नजर आ रही हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं, थोड़ा अटक गया है, जरा रुको. Forever. यार तुम किस टाइप के लड़के हो? मैंने तुम्हें मना इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन तुमने तो जिम्मेदारी से मुंह ही मोड़ लिया यार. सृष्टि मुझे कुछ आवाज सी आ रही है, क्या तुम उस अटके हुए फ्यूज से बात कर रही हो या मुझसे बात कर रही हो? Can you please help me? Why not? And you know what? तुम ना मुझसे इसी टोन में बात किया करो. I like that. And usual cases में शरीफ और इंटेलिजेंट लड़कियां ऐसे ही बात करती हैं. चलते करो.
धड़कन भी नहीं आ रही है कि तुम्हारी ये दिल की धड़कन इस तरफ होती है क्योंकि दिल लेफ्ट साइड पे होता है, वहां नहीं जहां तुम चेक कर रही थी। अब हटो। तुम ठीक हो? तुम हाउ डेयर यू, तुम सब इतना बड़ा नाटक कर रहे थे, मजाक था ये, तुम पागल हो गए? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, क्यों तुमने मेरे साथ फेक एक्सीडेंट का नाटक नहीं किया था? ये उसी का बदला समझ लो, वे इवन स्टीवंस नाउ। तुम पागल हो क्या? तुम कैसे, अरे अरे अरे, कैसे कर सकते हो ये मेरे साथ? कंट्रोल 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 सिस्टर कंट्रोल, मेरा मर्डर कभी और कर लेना, पहले मुझे फ्यूज निकालने दो। अरे अरे, क्यों मार रही हो यार? अरे क्यों मार रही? मार मार के तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें आईडिया भी है मैं कितनी टेंस कितनी स्ट्रेस आउट हो गई थी जब मैंने तुम्हारे दिल की धड़कन नहीं सुनी। तो सच में ना, तुम्हारा दिमाग ना तुम्हारे घुटनों में ही है। तुम्हारी बहन एक डॉक्टर है, तुम्हें तो अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है। अब गलती करोगी तो सफर भी खुद ही करोगे ना। डह, अब चलो मुझे फ्यूज बॉक्स में लगाना है। नहीं, फ्यूज मैं लगाऊंगी। जा भी जा, जा। देखा, मैंने इतने अच्छे से फ्यूज को बॉक्स में लगाया कि फौरन लाइट आ गई। गुड जॉब सिस्टी, कमाल है तू तो। अब मैं जाकर करण सर को बता दूंगी मैंने सारा काम कर दिया। मेरी बात सुनकर खुश हो जाएंगे और एक दो सेल्फी तो मुझे दे ही देंगे अपने साथ। वाह वाह वाह, सिर्फ फ्यूज को बॉक्स में लगाने से लाइट आ गई? हाँ तो यार, तुम कितना झूठ बोल रही हो यार। मतलब ये लाइट वापस लाने का काम तुमने अकेले किया है? नहीं नहीं शॉर्टी, तुम भी तो थे ना मेरे साथ, मेरे जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट? यार ये लड़की कुछ भी बोलती है यार। Boys, I'll be back. Excuse me. तो मुझे क्यों ऐसे स्माइल दे रही थी जैसे कि मैं कोई जोकर हूं और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? You know what, मैं क्या सोच रही थी? ये जो तुम्हारी बीमारी है ना, मुझे स्टेयर करने की, मेरे पीछे पीछे आने की, अगर इस बीमारी का नाम लवेरिया है ना, तो बच्चों समझ जाओ और सुधर जाओ। अगर रातों को मैं तुम्हारे सपनों में आती हूँ तो प्लीज रातों में सोना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे लव शव के चक्कर में नहीं पड़ने वाली हूँ। What did you just say? What did you just say? अरे प्राइमरी स्कूल में हो गया जो हर चीज समझानी पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लीज मुझे स्टेयर करना बंद कर दो और मेरा पीछा करना बंद कर दो फॉर वन। अच्छा बताओ, मैंने कब देखा तुम्हें? अभी। तुमने अपनी आंखों से देखा? हाँ अपनी आंखों से देखा, तुम मुझे स्टेयर कर रहे थे। हाँ, इसका मतलब तुम भी मुझे स्टेयर कर रही थी, वरना तुम्हें कैसे पता लगता कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ? अरे एक मिनट यार, तुम तो खुद को वरुण धवन समझते हो क्या? हाँ, इतने हाई लेवल के भी नहीं हो तुम, जीरो हो जीरो। हटो यहाँ से। ओ हेलो, ये तो मेरी अच्छाई है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ तब भी तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। करीना बोने स्ट्रिक्टली तुमसे दूर रहने के लिए कहा था, उन्हें पता लग गया ना वो तो मेरी बैंड बजा देंगी। ओ प्लीज, तुम तो करीना मैम की बात ही मत करो, जो कोई भी मुझे हेल्प करता है उसे वो अपना दुश्मन बना लेती है। और तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे करीना मैम चाहती नहीं थी कि ये इवेंट सक्सेसफुल हो। या या राइट, सी शॉटी, जरा यहाँ आना। अब क्या हुआ तुम्हें? वो क्या है ना, मेरे अंदर एक चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है, उसे कहते हैं मैनर्स। सो हाफ थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी विद द फ्यूज। व्हाट द हेल इज हाफ थैंक यू? ऑब्वियसली हाफ मेरा है ना डफा। ओके भगवान जी, जब आप अकल बांट रहे थे तभी कहाँ थी? अरे क्या हो गया बीजी, आपने क्यों बुलाया? अभी तो पार्टी चल भी रही है, मेहमान भी हैं। क्या बताती बताती बताती। हां अरे काम तो तुम लोगों ने वो करके दिखाया है कि मेरा सर पंख से ऊंचा हो गया। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी तुम लोगों में बांट। सच हरे पार्टी में लोग वाह वाह कर रहे हैं और वो तो ये सोच रहे हैं कि ये जो अंधेरा हुआ था ये तुम लोगों ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। मुझे तो अंदर की बात पता है ना। वाह बेटा, जो इतनी बड़ी हार होने वाली थी उसको तुम लोगों ने जीत में बदल दिया, उस पर सक्सेस की ऐसी मोहर लगाई कि जिंदगी भर याद रहे। आफ्टर ऑल पोतियां किसकी हैं? आपकी राजी बीजी। इन पोतियों के साथ ना आपकी बहू ने भी बहुत काम किया, उसका भी नाम ले लो। हाँ बहू भी थी, चल तू भी क्रेडिट ले। नहीं बीजी, ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से ही जो सब काम इतने अच्छे से हो गया। आपने ही कहा था ना कि अगर तीनों साथ में काम करेंगे, तीनों में एकता होगी, हमें कोई नहीं हरा सकता। तो देखो
इतनी बड़ी मुश्किल आई लेकिन हमने यू यू ठीक कर दी। ऐसे भी पीजी पहले तो सिर्फ प्रीता हमारे साथ थी, अब ये शैतान सृष्टि भी तो हमारे साथ हो गई है, तो तीनों के सामने कोई मुसीबत टिक जा सकती है। हाँ मम्मा, वैसे दी वो तो मैं फ्यूज लगाने के चक्कर में थोड़ी बिजी हो गई थी, लेकिन मैंने सुना कि आपने करण सर के साथ बहुत अच्छा डांस किया। हाँ मम्मा, फुल LED लाइट्स के साथ। वैसे दी मुझे पता है आपने ये सब क्यों किया, ताकि लोग बोर ना हो और अंधेरे में भी लोग एंजॉय करें। आई एम प्राउड ऑफ यू।